पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, चाहे खाकी वर्दी में तैनात हो या फिर सफेद वर्दीधारी ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि सड़क पर यातायात नियमों का पालन करवाना ही इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कभी कभी बदमाश किस्म के लोग यातायात नियमों की धज्जियां तोड़ाते ही हैं, जैसा कि इस वीडियो में है। वीडियो में देख सकते हैं कि रईसी के नशे में चूर एक कार चालक ने कैसे एक ट्रैफिक सूबेदार को बोनट पर कई मीटर तक घसीटा। वो तो गनीमत रही कि ट्रैफिक सूबेदार बच गए, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल ट्रैफिक सूबेदार अपनी टीम के साथ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक कार को रोका जिसका ड्राइवर कथित तौर पर गाड़ी चलाने के दौरान फोन पर बात कर रहा था। ट्रैफिक जवान ने ड्राइवर से चालान भरने को कहा, लेकिन उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अफरा तफरी में सूबेदार सुरेंद्र गाड़ी के बोनट पर लटक गए। ड्राइवर गाड़ी के बोनट पर लटके सूबेदार को करीब 500 मीटर तक दूर ले गया। सत्य साई चौराहे पर में ये गाड़ी वाले कार वाले जो मोबाइल से बात करते हुए आ रहे थे, इसे मैंने रोका तो रुका। मैंने कहा साहब चालान बना रहे हैं, मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, उसके जुर्माना है, चालान है, वो भरिए साहब से मिलिए। ये गाड़ी से उतरा, बोले मैं गाड़ी में चालान नहीं भरूंगा और तुझसे रोका जाए तो रोक लो। तो ये गाड़ी स्टार्ट करे भगने लगा था, मैं सामने आया रोकने के लिए, तो बोले मार दूंगा तेरे को, चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर, हट। मैंने गाड़ी को पकड़ा तो ये इसने पहले धीमे एकदम स्पीड बढ़ाई, तो इसकी गाड़ी के बोनट पर लेट गया। लेटने के बाद इसने गाड़ी नहीं रोकी, भगाता रहा। तो लेटे ही लेटे मैंने अपने को कंट्रोल करके इसकी बोनट पर बैठ गया। सत्यसाई चौराहे से लेकर के लसुड़िया थाने तक मुझे बोनट पर बैठा करके लाते और झटका मारते हुए गिराने की कोशिश करी कई बार। वही इस मामले में ट्रैफिक सूबेदार की शिकायत पर इंदौर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए, ये यातायात प्रबंधन के दौरान हमारी टीम सतसाई चौराहे पर कार्य कर रही थी, उसी दौरान ये वाहन चालक यातायात के नियमों उल्लंघन करके निकल रहा था। उसको रोका गया, रुकने के बाद हेड साहब ने बोला तो वो बढ़ा दिया, फिर बढ़ाने में वो बोनट पर गिर गया। बोनट पकड़ के बोला रोक दे भाई, नहीं रोका उसने, वो उनको ब्रेक लगा के गिराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन गनीमत रही कि वो गिरे नहीं और वो साकुशल हैं अभी। उसके बाद हमें जैसे ही हमने देखा तो हमने पीछे गाड़ी लगाई, उसको बताया भाई रोक, नहीं रोका वो। फिर हमने सोचा कि अब तो ये रोकेगा नहीं, तो हमने अपनी बुलेट आगे बढ़ाई और ये लसुड़िया थाने के सामने जो वाहन जा रहे थे ट्रक, उनको रुकवाया, तब जाके ये जा नहीं पाया। फिर तो इसको अंदर थाने पर ले गए और अंदर कर दिया उसको। इस घटना से एक बात तो साफ है कि ट्रैफिक पुलिस को अपनी ड्यूटी निभाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। ये सबकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि यातायात नियमों को तोड़ना किसी के लिए भी जानलेवा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।